अम्बेडकर नगर के थाना क्षेत्र जहांगीरगंज के अंतर्गत ग्राम शाहबुद्दीनपुर के रहने वाले बिरजू पुत्र मुरली ने आरोप लगाया कि देवरिया पंडित थाना राजे सुल्तानपुर की रहने वाली मीना देवी हलका लेखपाल राम केवल की मिलीभगत से उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद मीना देवी कभी बलात्कार, कभी छेड़खानी, कभी चोरी का इल्ज़ाम लगाकर बिरजू एवं उनके परिवार को धमकाने का प्रयास कर रही हैं। बिरजू ने आगे बताया कि उन्होंने मीना देवी के खिलाफ जहांगीरगंज थाने में चोरी का मुकदमा लिखवाने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन थाना अध्यक्ष जहांगीरगंज ने जांच कर बिरजू को बरी कर दिया। बिरजू ने थाना अध्यक्ष जहांगीरगंज की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने उन्हें न्याय दिलाया। मीना देवी के खिलाफ बिरजू ने कब्जा करने और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की जाँच चल रही है। ये मामला एक महिला की दबंगई को उजागर करता है। मीना देवी एक ऐसी महिला है जो अपने प्रभाव और शक्ति का उपयोग गरीब लोगों की जमीन पर कब्जा करने और उन्हें धमकी देने के लिए करती हैं। ये एक गंभीर समस्या है। इस मामले में बिरजू के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन थाना अध्यक्ष जहांगीरगंज ने जाँच कर उन्हें बरी कर दिया। ये एक सराहनीय कदम है और ये दिखाता है कि पुलिस भी ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रही है। मीना देवी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इंटरनेट 24/7 लाइव टीवी के लिए अंबेडकर नगर जनपद से संवाददाता राजकुमार मौर्य की रिपोर्ट। क्या नाम? बिरजू। और साहबुद्दीनपुर। थाना जहांगीरगंज। तहसील आलापुर। क्या मामला? हमारी जमीन साफ जोड़ गई है, मीना देवी ने कब्जा कर लिया। देवरिया पंडित के रहने वाली है। साहबुद्दीनपुर में राम केवल नेकपाल अखबार में छपवा कर एकाएक हमला करवाए और गांव वाले से साइन करवाए कि सुल्ला हो गया है। रात दिन जोड़ाई हुई है, वो भी लॉकडाउन में। देखिए, हम लोगों को साइन नहीं है। डीएम साहब के पास हमने 3 एप्लीकेशन दिया, लेकिन सब राम केवल खाए के बैठ गई ने। राम केवल बोले कितना भी एप्लीकेशन दे लो, हम कुछ होने नहीं देंगे। औरत चोरी का इल्ज़ाम कभी लगाती है, कभी बलात्कार का, कभी उसकी पतोह कहती है 3 महीने का बच्चा गिर गया। फिर इसके बाद जब कुल से आ रही तो चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। पूरे परिवार को बजाना और पूरा परिवार हमारे बजे हुए हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। लेडीज़ गुना उसकी साहब ढेर सुनवाई है, लेकिन थाना अध्यक्ष सब जानते हुए भी मनो हम लोग को सच्चाई जानकर बरी कर दिए थे कि जाओ तुम लोग निर्दोष हो, लेकिन मीना देवी ने फिर वीडियो वायरल करवा के हम लोग को फिर बजाना चाहती है।